श्री सीताराम जी महाराज की जय। पतित पावनी गंगा मैया की जय। ऋषिकेश धाम की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। आज हम लोग सब लोग आए हुए हैं इस ऋषिकेश की पावन धरती पर, पुण्या सलीला मोक्षदायिनी पतित पावनी जाह्नवी माँ भागीरथी के पावन तट पर हम लोग विराजमान हैं। इनकी कृपा से ही हम लोग यहाँ पर आए हैं और बड़े सौभाग्य की बात यह है, गीता भवन 3 नंबर में मानस प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है, उसी के निमित्त यहाँ आना हुआ है और गंगा जी का पावन सानिध्य मिला है। गंगा जी के लिए तो देखो, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा मैया तो पापों को हरने वाली हैं। गंगे तब दर्शनात मुक्ति, गंगा जी के दर्शन से ही मुक्ति है। और हमने ये भी सुना है महापुरुषों के श्रीमुख से, अगर कोसों दूर बैठ करके कोई गंगा गंगा का स्मरण कर ले, उच्चारण कर ले, तो वहाँ भी गंगा मैया उसका कल्याण करती है, उसके पापों का शमन करती है नारायण। और एक बड़ा सुंदर हृदय में भाव है कि जैसे गंगा मैया गोमुख से निकल के और ऋषिकेश हरिद्वार अन्य शहरों को स्पर्श करती हुई और अंत में गंगा जी सागर में जाकर के मिल जाती हैं, जिसको हम लोग गंगा सागर कहते हैं। तो जैसे गंगा की अविरल धारा चल रही है और सागर में जाकर के समाहित हो जाती है, मिल जाती है, हम भी भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय की गंगा, हमारी मन रूपी गंगा भी प्रभु आपके चरणों में आकर के समाहित हो जाए। ये मन रूपी गंगा भी भगवान के चरणों में समाहित हो, भगवान का प्रेम मिले, भगवान की भक्ति मिले, क्योंकि गंगा जी साक्षात भगवान की भक्ति स्वरूपा है। राम भगति जहां सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे भारत की जो अस्मिता है उसको गंगा जी को ही माना गया है नारायण, और हम लोग उन्हीं के तट पर विराजमान हैं। तो ऐसी गंगा मैया के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। जय जय श्री सीताराम, गंगा मैया की जय।